गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एग्रीकल्चरिस्ट डेफिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर, एग्रीकल्चरिस्ट हमेशा इंडिविजुअल या एचयूएपी होगा। एंड व्हाट सच एग्रीकल्चरिस्ट इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू कल्टीवेट द लैंड, चाहे वो खुद की मेहनत से करे या वो सर्वेंट भी रख सकता है। सर्वेंट को वेजेज जो पेबल होगी वो इन कैश दे या इन काइंड दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बंदा एग्रीकल्चरिस्ट कराएगा। लेकिन मान लीजिए आईटी से लिमिटेड, आशीर्वाद आटा देखा है ना, तो आटे के लिए क्या गेहूं की जरूरत पड़ती है। सो आईटी से लिमिटेड इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चरिस्ट, द आंसर इज नो। सी इन डेफिनेशन इट इज क्लियरली मेंशन ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन बी एग्रीकल्चरिस्ट। करते क्या, कल्टिवेशन ऑफ लैंड, खुद की मेहनत से करे, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, या सर्वेंट रखे उसको वेजेस दे, या वो वेजेस मनी टर्म्स में दे सकते हैं, मतलब कैश में दे सकते हैं, या इन काइंड देंगे तो भी वो एग्रीकल्चरिस्ट ही कहलाएंगे। क्लोज 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 अपीलेट अथॉरिटी, इधर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसमें केवल इतना ही मेंशन है कि भाई जो सेक्शन 107 है उसके अंदर जो अथॉरिटी के बारे में लिखा गया है वो अपीलेट अथॉरिटी है। तो एनीवे वी आर गोइंग टू रिवाइज इन चैप्टर 22 सेक्शन 107 अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। अगेन दिस क्लोज इज रेफरिंग टू सेक्शन 109, वो भी हम लोग चैप्टर 22 के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। क्लोज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 असेसमेंट। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो असेसमेंट का मेनली मतलब क्या होता है, इसमें क्लियरली लिखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। अब असेसमेंट मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो टैक्स पेयर जो खुद करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, और जो दूसरा टैक्स ऑफिसर्स करते हैं वो वेरियस तरह के असेसमेंट होते हैं, जैसे कि री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बैड जजमेंट असेसमेंट। अब ये बैड जजमेंट असेसमेंट या समरी असेसमेंट क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर 17 के अंदर रिवाइज करेंगे तब समझेंगे। इसके अलावा बीजेए बैड जजमेंट असेसमेंट हो सकता है कि आप लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, जीएसटी में तो हम रिवाइज करेंगे। क्लोज 12 ऑफ सेक्शन 2 एसोसिएट एंटरप्राइज, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट को रेफर कर रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है वो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। क्लोज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बोर्ड, जगह जगह हम लोग प्रोविजन के अंदर देखते हैं कि बोर्ड लिखा हुआ रहता है ना, तो बोर्ड इज बेसिकली सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। तो जहां भी आप जीएसटी लॉ के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर बोर्ड देखोगे उसका मतलब सीबीआईसी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बिजनेस। नाउ रिमेंबर, मैंने आप लोगों को प्रीवियस रिविजन लेक्चर में समझाया था इंक्लूड टर्म का क्या रेलिवेंस है, ठीक है। यहां देखिए बिजनेस इंक्लूड्स, तो इंक्लूड टर्म यूज किया गया, यानी कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। हम जो भी ये सब क्लोज देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, सब क्लोज ए, सब क्लोज बी और क्लोज 17, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जहां भी किसी भी लॉ के अंदर, जरूरी नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर ही, केवल इनकम टैक्स के अंदर हो, कंपनी लॉ के अंदर हो, सिविल के अंदर हो या क्रिमिनल लॉ के अंदर हो, अगर आप देखो किसी प्रोविजन या डेफिनेशन में इंक्लूड्स टर्म यूज किया गया है तो इसका मतलब जो उसके बाद ये जो लिखा गया है ये एग्जाम्पल्स है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कोई अगर सिमिलर स्टैंडिंग का कोई आप जैसा सेना आदमी ढूंढ ले तब तो भी वो बिजनेस के अंदर आएगा, अगर उसका नेचर ये जो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है उस जैसा है तो। ओके, तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हमेशा याद रखना। इनफैक्ट बुक में मैंने लिखा भी है, या आप देख रहे हो, देख सकते हो, द इंक्लूड इज ऑफन यूज इन इंटरप्रिटेशन क्लोजेज इन ऑर्डर टू एनलार्ज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, सो बिजनेस डेफिनेशन इंक्लूड्स, सो बेसिकली बिजनेस इंक्लूड्स सब क्लोज ए एनी ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड का मतलब क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग, करेक्ट। कॉमर्स क्या होता है, वो भी सेलिंग एंड बाइंग होता है, दोनों हालांकि सेलिंग एंड बाइंग होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है।
ट्रेड के अंदर नॉर्मली जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कॉमर्स के अंदर जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में बिजनेस किया जाता है, ओके, सेलिंग एंड ट्रेडिंग इन लार्जर क्वांटिटी। अब इसके बारे में कोई ऐसी मतलब फार्मूला है क्या कि ये कब ट्रेड से कॉमर्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स दोनों एक ही होते हैं, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चर तरह तरह के आप रॉ मटेरियल इनपुट के रूप में यूज करोगे और एक आउटपुट के रूप में आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप नए नाम से जानोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोफेशन स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि मान लीजिए सीए, आप सीए कर रहे हो, करेक्ट, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि हो सकता आपका क्या ऑब्जेक्टिव कि आपको अच्छी नौकरी मिले, मेरे को प्रोफेशनल डिग्री सीए मिल जाएगी तो, या फिर आपका आपकी सोच हो कि भाई मैं इनकम टैक्स की जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो ये क्या है, प्रोफेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ओके, ये सब क्या है, प्रोफेशनल पीपल है, तो इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता था उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर, डॉक्टरी, करेक्ट। वोकेशन, वोकेशन, अब जैसे प्रोफेशन के अंदर स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वोकेशन के लिए नहीं होती, किसी की हॉबी होती है। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल के तौर पे ले तो आपकी पेंटिंग की हॉबी है, सलमान खान जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, पेंटिंग करता है, करेक्ट, तो ये उसकी हॉबी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वोकेशन। एडवेंचर, रिस्क लेना, एडवेंचर मतलब ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें लाइफ की भी रिस्क हो सकती है, ठीक है, एडवेंचर। वेजर, बेटिंग, गैम्बलिंग, सट्टा, इसको क्या बोलते हैं, वेजर, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट, इट इज फॉर ए पिक्यूनियरी बेनिफिट। पिक्यूनियरी बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मोटिव, पिक्यूनियरी बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मोटिव, तो इसमें लिखा है वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूनियरी बेनिफिट, यानी प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर वो ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन है, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट, प्रॉफिट मोटिव इज देयर और नॉट, इट इज गोइंग टू बी बिजनेस। मैं जीएसटी की क्लासेस लेता हूं, मेरी कॉस्ट 5,000 रुपए, लेकिन मैं 2,000 रुपए में सेल करता हूं, मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे, आई एम इनकरिंग द लॉसेज, बट इवन दो इट इज गोइंग टू बी बिजनेस, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव इज इररिलेवेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन जीएसटी लॉ। देन सब क्लोज बी, इससे एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ए, इंसिडेंटल और एंसिलरी, चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बैंक क्या करती है, बैंक लोन देती है, तो मैंने बैंक से कार लोन लिया, कार लोन लिया, थोड़े दिन बाद में उसको चुका नहीं पाया, मतलब ईएमआई जो मेरे को पे करनी थी उसके अंदर डिफॉल्ट कर दिया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, फिर बैंक क्या करेगा कि यार ये तो पे नहीं कर रहा टाइम पे, अमित जैन पे नहीं कर रहा, डिफॉल्टर है, तो बैंक क्या करेगी, पैसा वसूल करेगी ना, पैसा वसूल करने के लिए क्या करेगी, जो मैंने कार खरीदी है जिसके ऊपर लोन लिया उस कार को जब्त कर लेगी, और जब्त करके उसको सेल करके अपना पैसा वसूल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। अब बैंक का काम क्या है, बैंक का बिजनेस है क्या, एक्चुअल में बैंक का बिजनेस है डिपॉजिट लेना और लोन देना, करेक्ट, डिपॉजिट लेगी तो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और लोन देगी तो इंटरेस्ट का पेमेंट उसको मिलेगा, यही बैंक का बिजनेस है, मनी ट्रांजेक्शन, बैंक का बिजनेस ये थोड़ी ना कार लेना बेचना, खरीदना बेचना, ये सब तो नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई कि उसने कार लोन मेरे को दिया, मैंने नहीं चुकाया तो उसने जब्त करके कार को बेच दिया, बैंक इज नॉट इन द सेलिंग ऑफ कार बिजनेस, करेक्ट, सो इट इज इंसिडेंटल एंसिलरी, सो इट इज गोइंग टू बी बिजनेस, तो बैंक अगर कार सेल करेगी तो जीएसटी लगेगा। सब क्लोज सी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, वेदर और नॉट देयर इज ए वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। मेरे को मूवी देखी है ना, देखिए कि नहीं देखिए, नहीं देखी तो देख लेना, इट इज वंडरफुल मूवी। सो मेरी कॉम, यू नो मेरी कॉम बिकॉज ऑफ वाट, सी इज बॉक्सर, ओके, सी इज बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन आई थिंक ऑलमोस्ट 5 times, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट मेरी कॉम अंटिल अनलेस आई हैव सीन दैट मेरी कॉम मूवी। तो मेरी कॉम मूवी के लिए
एक प्रोड्यूसर चाहिए सबसे पहले, तो प्रोड्यूसर मेरी कॉम के पास जाता है, बोलता कि आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर हम मूवी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आई एम वी आर गोइंग टू पे यू लेट्स से एक्स अमाउंट. सो मेरी कॉम इज नॉन फॉर बॉक्सिंग. सो वंस इन ए लाइफ टाइम सी गॉट द ऑफर ऑफ दैट बायोग्राफी. सो सी सोल्ड द राइट टू द प्रोड्यूसर फॉर एनी अमाउंट, फॉर एक्स अमाउंट लेट एज्यूम. सो दिस इज गोइंग टू बी द ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ. सो दिस इज गोइंग टू बी बिजनेस. वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी इज रेलिवेंट, ठीक है, ये क्या है बिजनेस. सब क्लोज डी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस. तो कमेंसमेंट करने के लिए, क्लोजर करने के लिए जो भी सर्विसेज ली जाती है या गुड्स एक्वायर किया जाता है वो सब क्या होगा, बिजनेस. कंपनी स्टार्ट करनी है सीएस की सर्विसेज चाहिए तो वो भी क्या है, बिजनेस. सब क्लोज ई प्रोविजन बाई ए क्लब एसोसिएशन सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन ऑन एनी अदर्स कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर. तो जो क्लब एसोसिएशन सोसाइटी जो अपने मेंबर को जो सर्विसेज देते हैं उसके बदले में जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये भी बिजनेस है. लेकिन रिमेंबर यहां लिखा है टू इट्स मेंबर, यानी कि अगर नॉन मेंबर्स को दिया जाए तो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली इन्होंने मेंशन क्या किया, मेंबर्स. सब क्लोज एफ एडमिशन फॉर ए कंसीडरेशन. इमेजिका जाते हो टिकट खरीदनी पड़ती, म्यूजियम जाते हो टिकट खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है ना, तो वो जो टिकट प्राइस है वो आप क्यों पे करते हो, टू गेट योर सेल्फ एडमिटेड इन दैट प्रीमाइसेज. सो दैट इज ऑल्सो बिजनेस. सब क्लोज जी सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन. सबसे पहले ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या होता है, बिजनेस. ये हमने देखा है कि सेक्शन 7 के अंदर भी लिखा हुआ, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है. सो इन द कोर्स जो हम लोग रेगुलरली कुछ एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं उसको इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं. और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस. एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब सिंपल है, चलो मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं. मान लीजिए आपकी एक दुकान है, ठीक है, दुकान के अंदर आप रेडीमेड गारमेंट सेल करते हैं. तो रेडीमेड गारमेंट जो सेल करते हैं वो तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो आपका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट परचेज और सेल करना, ठीक है. अब आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करते हो कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट डलवाते हो, न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो, रेडियो जो एफएम है लोकल उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, या किसी कंसल्टेंट को हायर करते हो कि भाई मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे बिजनेस ग्रो हो. तो ये सब आप किस लिए कर रहे हो, फॉर एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो ये फर्दरेंस ऑफ या एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस का एग्जांपल है. तो यहां क्या है, सब क्लोज जी बोलता है कि भाई सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन इज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन. जैसे कि आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बंसी मेहता, वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनफैक्ट आई इफ आई रिमेंबर करेक्टली ही इज ऑल्सो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई. इनकम टैक्स में गुरु है, उनके मुकाबले कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है जहां तक मेरा अंदाज है. अब वो इतने वेल नोन पर्सन है तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल या जो दूसरी कंपनियां उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करके रखा है. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर टीएन मनोहरन जो एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो भी काफी बोर्ड के ऊपर जैसे क्लब महिंद्रा वगैरह ये सब के ऊपर है, ठीक है. तो ये उनको क्यों मिला है, उनके प्रोफेशन की वजह से मिला है. जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बने वो उनके प्रोफेशन की वजह से मिला. तो उनको जो फी है सब मिलेगी, सेटिंग फी है सब, दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस सब्जेक्ट टू जीएसटी. सब क्लोज एच एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब. अरे भाई हॉर्स रेस खेलते हो, जो टोटली सेटर क्या होता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा मूवी के अंदर देखा होगा, एक्चुअल में पता नहीं, गोवा गए हो तो देखा होगा कि वो घूमता है, जो वो व्हील होती ना एक, उसके ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं, तो
तो आप उसके ऊपर बेटिंग कर सकते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट आई थिंक 9-10 times अगर आपका नंबर आ गया तो उसको टोटली सेटर बोलते हैं। तो ये भी क्या है, बिजनेस। सब क्लोज आई एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी, ये भी बिजनेस है। जो पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में ये ट्रांजेक्शन अंडरटेक करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, वो भी क्या होगा, बिजनेस होगा। लेकिन इसको हम लोग आगे इंटरलिंक करेंगे एग्जम्पशन के साथ और सेक्शन 7 के साथ भी, ठीक है। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन, अगर देखो बिजनेस की डेफिनेशन काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। ये इतनी ब्रॉड क्यों है, रिमेंबर जीएसटी में काफी टैक्स लॉ सब्ज्यूम्ड हुए, तो सब में अलग अलग बिजनेस की डेफिनेशन थी, तो उन्होंने सबसे उठा के इसमें डाल दिया, खिचड़ी बना दी, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इतनी ब्रॉड डेफिनेशन देने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, इंक्लूसिव डेफिनेशन कर दी कि भाई अगर किसी स्टूडेंट का दिमाग ज्यादा चलता है, किसी व्यापारी का दिमाग ज्यादा चलता है और वो नया टर्म भी ईजाद कर लेता है तो भी वो बिजनेस हो सकता है, अगर वो सिमिलर स्टैंडिंग है तो। क्लोज 19 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कैपिटल गुड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि भाई जो भी आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, जो गुड्स आया वो जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया वो कैपिटल गुड्स है। आपने गलत किया सही किया इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने किसी गुड्स को कैपिटलाइज कर दिया, रॉ मटेरियल को भी कैपिटलाइज कर दिया तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटलाइज नहीं किया तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। हो सकता है इनकम टैक्स में लफड़ा हो लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं। तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट कि उन्होंने बोला कि भाई जो भी तुम लोग बुक में फॉलो कर रहे हो हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो वॉट एवर इज कैपिटलाइज इज कैपिटल गुड्स। क्लोज 20 ऑफ सेक्शन 2 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की टर्म क्या है, ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन जिसका यहां फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां करता है ये बिजनेस, ठीक है, जहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ओकेजनली कुछ अंडरटेक करता है, जैसे बॉम्बे का व्यापारी दिल्ली के प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करता है। देखने जाए तो दिल्ली के अंदर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं, और वो ओकेजनली करेगा क्योंकि एग्जीबिशन है, ठीक है, परमानेंट एग्जीबिशन नहीं होते, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ जगह देखोगे आप एग्जीबिशन चलती रहती है। क्लोज 30 कंपोजिट सप्लाई सो बेसिकली जो टैक्सेबल पर्सन, अब ये टैक्सेबल पर्सन क्या है, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन याद है किसी को, याद है सर नहीं है, चलो टैक्सेबल पर्सन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें टर्म यूज किया गया टैक्सेबल पर्सन तो बाद में देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। सो क्लोज 107 टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। जिस बंदे ने या तो रजिस्ट्रेशन ले लिया है वो टैक्सेबल पर्सन है, और या जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24, दोनों में से किसी भी सेक्शन के अंदर जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अप्लाई किया है, या मान लीजिए अप्लाई नहीं करता है लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर, 1 crore का टर्नओवर है, लायबल टू बी रजिस्टर है लेकिन टैक्स चोरी करता है, टैक्स इवेड करता है, तो वो भी क्या होगा, टैक्सेबल पर्सन। आपको खास तौर पे ध्यान रखना कि प्रोविजन के अंदर कहां टैक्सेबल पर्सन यूज किया गया, आप पेनल्टी प्रोविजन के अंदर भी देखोगे, ऑफेंसेज एंड पेनल्टी के अंदर कहीं कहीं टैक्सेबल पर्सन यूज है, कहीं कहीं रजिस्टर पर्सन यूज है। तो रजिस्टर पर्सन तो रजिस्ट्रेशन ले चुका है, लेकिन टैक्सेबल पर्सन इज गोइंग टू इंक्लूड रजिस्टर पर्सन प्लस पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। याद रखो, याद हो गया क्या, चलो हो गया। कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई जिसमें दो या दो से ज्यादा सप्लाई मिक्स की गई हो, मिक्स सप्लाई नहीं है, साथ में की गई हो, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई मे बी गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, ऐसा नहीं कि दोनों गुड्स ही हो, ठीक है, एक गुड्स हो सकता है एक सर्विस हो सकता है, ठीक है, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन मेन बात क्या, वो नेचुरल बंडल्ड है। की टर्म क्या है यहां जो आपको याद रखना, नेचुरल बंडल्ड है एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, तो वो क्या होगा, कंपोज सप्लाई। एसी खरीदने जाते हो साथ में रिमोट मिलता है, वारंटी मिलती है, तो ये क्या एग्जांपल कंपोज सप्लाई का। अब कंपोज सप्लाई हम देखते कैसे है, तो नॉर्मली पब्लिक क्या सोचती है उस हिसाब से हम कंपोज सप्लाई डिटरमाइन करेंगे कि पब्लिक की क्या सोच है। जैसे कि आपको अगर एसी खरीदना है या मोबाइल खरीदना है
तो आप घर पे क्या बोल के जाओगे, अपने दोस्तों को क्या बोलोगे कि भाई मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं? आप ये नहीं बोलोगे कि मोबाइल के साथ में मैं चार्जर भी लूंगा और मेरे को वारंटी भी मिलनी चाहिए। आप क्या ये बोलोगे मोबाइल खरीदूंगा, आपकी सोच रहेगी कि भाई मोबाइल के साथ चार्जर तो मिलना चाहिए, वारंटी मिलनी चाहिए। अगर वारंटी नहीं मिलती तो इसका मतलब वो लोकल आइटम है, उसकी क्वालिटी थर्ड क्लास होगी, करेक्ट? तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा, चार्जर खरीदने जाऊंगा और वारंटी खरीदने जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा। तो ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई में इधर देखिए, ये मैं आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर इंटरलिंक करके बताऊंगा। यहां मैंने हाईलाइट किया टैक्सेबल टर्म यूज किया गया। तो जब हम लोग अगले चैप्टर में सेक्शन 8 देखेंगे, उस समय उधर हम देखेंगे कि भाई जो टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है उसके अंदर टैक्सेबल टर्म नहीं यूज किया गया, तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा। इधर देखो टैक्सेबल टर्म यूज किया गया, याद रखना ये। कंपोज सप्लाई में एक बात ध्यान रखना, अलग अलग प्राइस चार्ज की जा सकती है। तो उस बिल के अंदर मोबाइल के अलग रेट, चार्जर के अलग रेट, वारंटी की अलग रेट होगी तो भी ये कंपोज सप्लाई होगा। अब इसी के साथ हम लोग मिक्स सप्लाई भी देख लेते हैं, क्योंकि रेलिवेंट डेफिनेशन है ना, अलग अलग बाद में देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर मैं साथ में दिखाऊंगा तो आपको क्या रिटेन करना ईजी हो जाएगा। मिक्स सप्लाई क्लोज 74। सो मिक्स सप्लाई अगेन, इसमें भी टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये नेचुरल बंडल नहीं है, नेचुरल बंडल नहीं है। और ध्यान रखना इसमें सिंगल प्राइस चार्ज किया गया। अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया तभी यह मिक्स सप्लाई होगी। अगर अलग अलग प्राइस चार्ज किया गया, जैसे कंपोज सप्लाई मैंने क्या बोला कि बिल के अंदर हो सकता है मोबाइल का अलग चार्ज किया गया हो, चार्जर का अलग किया गया हो और वारंटी का भी अलग चार्ज किया गया हो, फिर भी वो कंपोज सप्लाई हो सकती है, लेकिन मिक्स सप्लाई नहीं होगी। मिक्स सप्लाई में हमेशा अलग अलग प्राइस चार्ज किया, अगर अलग प्राइस चार्ज कर दिया गया तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, सिंगल प्राइस ही होना चाहिए, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए आइटम वाइज, ठीक है? अगर आइटम वाइज ब्रेकअप है तो वो नॉर्मल सप्लाई या मिक्स सप्लाई नहीं है, सिंगल प्राइस। मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये की टर्म आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर के अंदर रेफर करना पड़े तो सिंगल प्राइस याद रखना, मैंने हाईलाइट करके रखा है बुक में, और मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद हो ही गया होगा। तो ये बेसिकली नेचुरल बंडल नहीं है। दिवाली गिफ्टिंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल। कैसे? सिंपल है भाई, दिवाली गिफ्टिंग इंडिया में नॉर्मली नॉर्म है, तो उसके अंदर मैं जाता हूँ एक स्वीट शॉप के अंदर, बोलता हूँ कि भैया मेरे को स्वीट चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए और ड्राई फ्रूट भी चाहिए। अब तीनों क्या नेचुरल बंडल्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो गिफ्ट पैक हो गया, तो ये क्या एग्जाम्पल मिक्स सप्लाई का। लेकिन अगर मान लीजिए दुकानदार तीनों की अलग अलग रेट मेंशन करता है इनवॉइस में, तो ये नॉर्मल सप्लाई है। लेकिन अगर वो एक ही सिंगल प्राइस लिखता है इनवॉइस के अंदर तो ये क्या होगा? मिक्स सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते, कंसीडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? क्योंकि सप्लाई के अंदर जो हम सेक्शन 7 अगले चैप्टर में देखने वाले हैं उसमें दो कंडीशंस होती है मेनली, एक तो बिजनेस जो हम देख चुके, दूसरा कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन हर कोई आदमी कंसीडरेशन के लिए काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है सब कोई कंसीडरेशन के काम करे, कुछ कुछ बिना कंसीडरेशन भी काम करते हैं, करेक्ट? सो कंसीडरेशन इन रिलेशन टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इंक्लूड्स, इसमें दो पार्ट है इस डेफिनेशन के अंदर, दोनों पार्ट को आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल है, सब क्लोज है। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब मैं समझाता हूं तो मेरे स्टूडेंट को एकदम ईजी लगता है, अभी रिविजन में भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए, सब क्लोज ए क्या बोलता है? एनी पेमेंट और मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मनी में भी पेमेंट हो सकता है, अदरवाइज इन काइंड भी हो सकता है, तो भी वो कंसीडरेशन होगा। क्योंकि जब कंसीडरेशन दिमाग में आता है ना तो हमारे मन में आता है केवल मनी, करेंसी के अंदर ही पेमेंट होना चाहिए, करेंसी के अंदर नहीं है, ठीक है? करेंसी के अलावा भी इन काइंड भी है, बार्टर है, तो भी वो क्या होगा? कंसीडरेशन ही होगा। सो मनी और अदरवाइज, पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो पेमेंट कर दिया या फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्रेडिट में दे रहा दुकानदार, तो भी वो कंसीडरेशन तो होगा ना, बाद में भी पेमेंट करना है तो। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, इंड्यूसमेंट क्या होता है? इस हाथ दे इस हाथ ले, इस हाथ दे इस हाथ ले, मीन समवन इज पेइंग यू मनी टू गेट समथिंग इन रिटर्न।
तो वो जो उसको रिटर्न में मिलने वाला है उसके लिए वो मनी पे कर रहा है, इंड्यूसमेंट, उसको कुछ रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो कंसीडरेशन का नॉर्मली पेमेंट कब किया जाता है कि उसके बदले में हमारी कुछ चाहत होती है कि हमको ये मिले, मेरे को अमित जैन सर की क्लासेज चाहिए, इसलिए पेमेंट किया भाई फीस का, तो ये क्या इंड्यूसमेंट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने डोनेशन दिया, आपने गरीब बच्चा देखा, उसकी स्कूल फी का पेमेंट कर दिया, आपको केवल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है। रिटर्न में जब आपको मिलता है तब, ठीक है। सो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ ऑल वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, यानी जरूरी नहीं कि बायर ही पे करे, सप्लायर को जो पैसा मिलता है वो कंसीडरेशन होता है, चाहे वो मनी में मिले, इन काइंड मिले, मिल चुका है या फ्यूचर में मिलने वाला है, जो भी है, उसको जो सप्लायर को, सेलर को जो पैसा मिलेगा वो कंसीडरेशन होगा। हो सकता है बायर पे करे या बायर कुछ पोर्शन पे करे, कोई दूसरा बंदा पे करे, सब्सिडी हो, ठीक है। तो जो सप्लायर को मिलता है वो कंसीडरेशन होता है, जो बायर पे करता है वो कंसीडरेशन नहीं होता, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेलर है ए, ये सोलर पैनल बेचता है, तो बी उसको खरीदता है, तो बी मान लीजिए ये सोलर पैनल 10,000 रुपीज का है, तो बी उसको पे करता है 7,000 और 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है क्योंकि सब्सिडी है, तो कंसीडरेशन क्या होगा, ये 10,000 होगा, ना कि जो बी पे करता है वो, ओके। किंतु परंतु आगे क्या लिखा है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो ये सब्सिडी हमने एग्जांपल लिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है तो कंसीडरेशन केवल 7,000 ही होगा, न कि 10,000। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैं चेंज कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, एक एनजीओ दे रही है, तो फिर कंसीडरेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो सेलर को मिलता है वो, तो 10,000 रुपीज। लेकिन अगर यही सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि उस मामले में कंसीडरेशन 7,000 होगा, और अगर एनजीओ दे रहा तो 10,000। तो ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फोरबियरेंस, मॉनेटरी वैल्यू, किसी की मॉनेटरी वैल्यू कोई एक्ट करने की, और फोरबियरेंस, फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक्शन, जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आपने टाइम पे काम नहीं किया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो आपके एक्शन जो आपने डिले किया एक्शन का, आपने उसको पेनल्टी पे करके कंपनसेट कर दिया, तो ये क्या है, फोरबियरेंस। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, करने का कोई काम करने के लिए पैसा है, या फिर फोरबियरेंस, आपने डिले किया उसके लिए कोई कंपनसेशन पे किया, जैसे पेनल्टी के रूप में या कोई लेट फी वगैरह, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बाकी डेफिनेशन सेम है बेसिकली, चाहे बायर खुद पे करे, रेसिपिएंट खुद पे करे, या कोई थर्ड पार्टी पे करे, वो भी कंसीडरेशन होगा, अगर लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो हम एक्सक्लूड करेंगे, जो ऊपर हमने अभी समझा था। अब काफी बार हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ कंसीडरेशन और नॉट। आपने ऑफिस रेंट पे दी तो आपने ओनर को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो आपका रेंटल है 30,000 रुपीज पर मंथ, इसके अलावा आपने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 1,00,000 रुपीज, ठीक है, वो रिफंडेबल बेसिस पे है, तो जब भी आप ऑफिस खाली करोगे आपको मिल जाएगा, तो ये कंसीडरेशन में काउंट नहीं होगा, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन किंतु परंतु आपने डैमेज कर दिया, कुछ भी किया, तो उसने उसको फोरफिट कर दिया डिपॉजिट को, तो ये कंसीडरेशन हो जाएगा, ओके। क्लोज 32 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई जैसे ही आता है दिमाग में आता है कि भाई कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, जैसे पाइपलाइन के थ्रू एलपीजी गैस पाइपलाइन के थ्रू हो रही है, वायर के थ्रू कुछ सप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसमें क्लियरली लिखा है वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ ए वायर केबल पाइपलाइन और अदर कंड्यूट, तो जरूरी नहीं है कि वो लगातार सप्लाई हो, जैसे एलपीजी गैस आपने सिटीज के अंदर देखा होगा पाइपलाइन गैस होती है, तो उसको कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स उसी को केवल नहीं बोलेंगे, उसके अलावा भी क्या हो सकता है। बेसिकली इसमें जो की टर्म यूज किया गया है वो ये यूज किया गया है,
कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूअसली जो सप्लाई हो रहा है या रिकरेंट बेसिस पे जो हो रहा है, जैसे कि ओपन परचेज ऑर्डर, आपकी बड़ी ऑफिस है और अराउंड 100 एम्प्लॉय वर्क फॉर यू, एम्प्लॉय का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ओके, फॉर दैट पर्पज यू हायर्ड, बेसिकली यू हैव गिवन, नॉट हायर्ड, यू हैव गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर ऑफ बिस्लेरी वाटर कि वो डेली बेसिस पे मेरे जो 20 लीटर के कैन होते हैं वो सप्लाई कर देना डेली बेसिस पे, 3 कैन 4 कैन जितनी भी आपके डिमांड है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स रिकरेंट बेसिस पे। या ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेशनरी आइटम लगते हो, तो आप एक जो बाजू का दुकानदार आपकी फैक्ट्री के बाजू में, मान लो आपकी फैक्ट्री, आप उसको बोलते हो कि भाई जब भी मैं फोन करूं तो डिलीवरी दे देना, तो उस समय वो इन्वॉइस नहीं कट करता, उस समय केवल डिलीवरी नोट देता है कि भाई मैंने ये सप्लाई की आपके ऑर्डर के ऊपर, और वो मंथली बेसिस पे आपको इन्वॉइस कर देता है। तो ये एग्जांपल किसका है, किसका है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का। तो जरूरी नहीं है वायर या केबल के थ्रू ही सप्लाई की जाए, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यूसली और रिकरेंट बेसिस पे की जा रही है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इसमें भी वही है, केवल इतना ही फर्क है कि इसमें पीरियड डिफाइन किया गया है फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, यहां कोई पीरियड नहीं है। तो ये हो सकता है जो ओपन परचेज ऑर्डर हो वो केवल 10 दिन का हो, फिर भी वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के मामले में एक्सीडिंग 3 मंथ, रिमेंबर अप टू 3 मंथ इट इज नॉट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपने ऑफिस रेंट पे ली 3 महीने के लिए, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा नहीं, लेकिन अगर आपने वो ऑफिस, वही ऑफिस 3 महीने 1 दिन के लिए रेंट पे ली तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। तो ये याद रखना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग 3 मंथ, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के मामले में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सॉरी, क्लोज 34 कन्वेंस। अब कन्वेंस के अंदर देखो 3 याद रखो, रोड, हवा, पानी। तो वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, हो गया कन्वेंस, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्लोज 39 डिम्ड एक्सपोर्ट, इसमें तो कोई डेफिनेशन दी नहीं है, इसमें लिखा है कि भाई जो सेक्शन 147 के अंदर लिखा हुआ वो है डिम्ड एक्सपोर्ट, सिंपल है, वो फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जैसे ईओयू को सप्लाई किया गया, हालांकि चैप्टर 24 के अंदर हम लोग देखेंगे सेक्शन 147। क्लोज 42 ड्रॉबैक, इसका तो चैप्टर है पूरा, चैप्टर 7 पार्ट 2 के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम के अंदर ना, ड्यूटी ड्रॉबैक बेसिकली ड्रॉबैक इज टर्म यूज इन द कस्टम फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रिफंड ऑफ द ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के अंदर, बिकॉज रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एनकरेज द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज द इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए जो भी टैक्सेज ये सब होता है उसका रिफंड दिया जाता है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो ड्यूटी का रिफंड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक। इनफैक्ट इट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कस्टम, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। क्लोज 44 पहली बार जीएसटी लॉ के अंदर, इसके प्रीवियस लॉ में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डिफाइन नहीं था, अच्छी बात यह कि इन्होंने इसमें डिफाइन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जिसकी कोई भी सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर होता है, या मान लीजिए आपने नॉर्टन एंटीवायरस लिया, उसकी डिलीवरी आपको डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हुई है, ठीक है, तो कोई भी तरह की सप्लाई, चाहे वो फिजिकल गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो, उसकी सप्लाई अगर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू हुई है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, और उसके मालिक को या मैनेज करने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह। क्लोज 47 एग्जम सप्लाई हमने पिछले सेशन में देख ली थी अलोंग विथ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्जम सप्लाई क्या याद रखना, याद हुई नहीं हुई डेफिनेशन, रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लो, नीड रिलेटेड होली एग्जम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लोज 48 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं, एग्जिस्टिंग लॉ, जो पिछले लॉ थे ना, एक्साइज ड्यूटी, VAT, सर्विस टैक्स, वो क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ। क्लोज 49 फैमिली डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन ऑलवेज गोइंग टू बी फैमिली, वेदर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ फैमिली ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट,
और मेनली डिपेंडेंट, तभी वो फैमिली होंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो फैमिली नहीं होंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अमित जैन की डॉटर ऑलवेज गोइंग टू बी फैमिली फॉर अमित जैन, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं फैमिली तभी होऊंगा अगर मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं। तो मेरी बेटी के लिए मैं फैमिली कब होऊंगा? अगर मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं तो फैमिली नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी हमेशा फैमिली होगी। सो स्पाउस चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली फॉर मी, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर दे आर गोइंग टू बी फैमिली ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। ओके, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ये वैल्यूएशन चैप्टर में भी काम आएगा रिलेटेड पार्टी के अंदर। क्लोज 50 फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, क्या याद रखना है इसके अंदर? पहली बात, जो रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो, ठीक है कुछ, लेकिन फिर भी रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ तरह की परमानेंस, कुछ डिग्री की परमानेंसी है एंड सुटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू सप्लाई सर्विसेज। ये जो डेफिनेशन है ये सर्विसेज के लिए दी गई है, ठीक है। अब फिक्स एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपको एक रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला वेस्ट बंगाल के अंदर, कहाँ मिला? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आपको रोड कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपकी जो ऑफिस है वो कलकत्ता के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, ठीक है, आपकी ऑफिस कोलकाता के अंदर है। अब जो रोड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, वो 100 किलोमीटर का कलकत्ता के बाहर का मिला है। तो आपको वो रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, इसमें 5-6 महीने लगेंगे। तो आप क्या करते हो कि उसके लिए एक टेम्प्ररी ऑफिस का सेटअप करते हो। टेम्प्ररी जरूर है वो, लेकिन उसमें कुछ डिग्री परमानेंस है जिससे कि उसका सुपरविजन किया जा सके और वहां से डिसीजन लिया जा सके। जो जो रोड बन रही है उसके बाजू में आपने एक बीच में कोई एरिया देख के ऑफिस बना दी, ठीक है, 6-7 महीने के लिए, तो कुछ डिग्री की परमानेंसी है उसके अंदर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी उधर, आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्लोज 52 गुस की डेफिनेशन, अरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है गुस की डेफिनेशन? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जीएसटी किसके ऊपर है? गुस के ऊपर है। तो गुस की डेफिनेशन ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। गुस की डेफिनेशन के साथ में ही हम चार डेफिनेशन हम साथ में करने वाले हैं, गुस मनी सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज, चारों डेफिनेशन साथ में करेंगे। So, goods meant every kind of movable property other than money and security. अब पहले money and securities कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद goods और services की definition पाएंगे। तो चलिए money की definition क्या है? So, clause 75 money definition. अब जब money की बात आती है तो normally हम लोग क्या सोचते हैं कि जो Indian legal currency है वही money होगी। लेकिन if we go by this definition which is given in the CGST Act, Clause 75 of Section 2 of CGST Act 2017, it clearly says money का मतलब केवल Indian legal currency नहीं है, जो Indian legal currency रुपया केवल वही नहीं है, इसका जो foreign currency US dollar, Singapore dollar, Euro, pound वो भी money है। इसके अलावा जो check है, जो हम check देते हैं payment के लिए, promissory note या bill of exchange, letter of credit, LC जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो IMPS, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेज है, इसके अलावा मनी ऑर्डर, ये सब भी मनी है, ये सब भी मनी है, ठीक है। तो केवल मनी का मतलब रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन मत लेना कि भाई इंडियन लीगल करेंसी, फॉरेन करेंसी भी होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंज, LC, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, ये भी मनी है। लेकिन इस डेफिनेशन ने ये बोला है कि भाई जो ये शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अब ये न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होती है? कि जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है उससे ज्यादा वैल्यू मिलना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए कोई 50 साल पुराना इंडिया का नोट है 10 रुपए का, तो आप बोलोगे उसकी भाई वैल्यू तो 10 रुपए ही है, करेक्ट, 10 रुपए, लेकिन क्योंकि वो 50 साल पुराना है तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोगों का ऐसा शौक होता है, क्योंकि मैं उस पर शामिल नहीं हूं, इसलिए कुछ लोगों का ऐसा शौक होता है कि वो जो करेंसी है, ओके, कॉइन्स होते हैं, उसको वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू होती है
वो नॉर्मली, क्योंकि पुरानी करेंसी पुराना कॉइन है तो उसकी वैल्यू जो नॉर्मल, उसकी नॉर्मली जो लीगल वैल्यू होती है उससे ज़्यादा होती है क्योंकि वो पुराना है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो ये मनी की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी हॉबी है पुराने कॉइन कलेक्ट करने की, तो आपने पुराने कॉइन्स कलेक्ट किए, हो सकता है कि जो उसकी वैल्यू है वो 1000 रुपीज हो, लेकिन आपको उसके बदले में लाखों रुपये मिल सकते हैं, तो वो जीएसटी सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा क्योंकि वो मनी की डेफिनेशन में नहीं है। और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो भी करेंसी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए हेल्ड की गई है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मैंने आपको समझा दिया क्या है, जिसकी नॉर्मली वैल्यू ज़्यादा होती है, जो उसकी लीगल वैल्यू उससे ज़्यादा होती है, तो वो मनी के अंदर शामिल नहीं है। फिर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देखते क्या है, क्लोज 101 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सिक्योरिटीज सिंपल है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज। चलिए अब गुड्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सो गुड्स डेफिनेशन से, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमेंबर ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। सो गुड्स इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। आगे ये क्या बोलती है डेफिनेशन, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, यानी कि एक्शनेबल क्लेम तो अगर कोई होता तो हम उसको किस में क्लासीफाई करेंगे, गुड्स के अंदर। हालांकि बेटिंग, लोटरी, ये सब अगर देखने जाए, बिकॉज दो हजार इनटेंजिबल नेचर, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये सर्विसेज क्या होता है, नॉर्मली इनटेंजिबल इन नेचर होता है, तो हमको लगे कि ये सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गुड्स की डेफिनेशन में शामिल की गई है एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब ये गुड्स ही होगा। ओके, तो ये बोलता है कि भाई गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इट इज गोइंग टू इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। तो गुड्स के अंदर क्या शामिल है, मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, अदर है मनी एंड सिक्योरिटीज, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। आगे इसमें जो लिखा है, ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए ये लैंड है, अब लैंड के ऊपर आपने देखा होगा ग्रास, क्रॉप्स, ये सब रहती है। अब गुड्स की डेफिनेशन बोलती है कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल होगी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली ये लैंड तो नहीं होगी क्योंकि लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गुड्स की डेफिनेशन लैंड को तो एक्सक्लूड कर रही है, करेक्ट। लेकिन जो उस लैंड है उसके साथ में एक अटैच है, क्या अटैच है भाई, कोई भी तरह की वस्तु या क्रॉप या ग्रास अटैच है, जैसे स्टोन्स भी होते हैं, माइनिंग की जाती ना, तो ये अटैच रहती लैंड के साथ, तो क्या वो गुड्स होगी कि नहीं होगी? तो ये जो डेफिनेशन है ये बोलते हैं कि अगर उसको सीवर्ड किया जाए, सीवर्ड मतलब कट किया जाए, बिफोर द सप्लाई और अंडर कॉन्टेक्ट ऑफ सप्लाई, तो यानी कि लैंड से ये कट कर दिया जाए क्रॉप ग्रास को, तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन इन गुड्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास फार्मिंग लैंड, आप उस लैंड को सेल करते हो, उसके साथ में क्रॉप भी अटैच है, तो वो गुड्स नहीं होगी, वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, क्रॉप को कट करके बेच देते हो, मेरे को लैंड हो किसी को बेच देते हो, तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो क्रॉप आपने कट कर दिया अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, या मतलब बिफोर ए कॉन्ट्रैक्ट आप कट करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही वो कट होगा लैंड से, डिटेच होगी क्रॉप या कोई भी वस्तु या मान लीजिए ग्रास, तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगी। सो गुड्स डेफिनेशन वेरी सिंपल, मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, एक्शनेबल क्लेम गुड्स होगा, ग्रोइंग ग्रास और क्रॉप्स और जो भी थिंग्स है जो लैंड के साथ में अटैच है, लेकिन उसको सीवर्ड यानी कट कर दिया गया, यानी डिटेच कर दिया गया लैंड से, तो फिर वो गुड्स हो जाएगा। डिटेच नहीं किया तो वो गुड्स नहीं होगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड रिमेंबर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब चलिए सर्विसेज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसके साथ में। तो क्लोज 102 सर्विसेज की डेफिनेशन, स्काई इज द लिमिट, याद रखो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि सर्विसेज की डेफिनेशन आप लोग सीए कर रहे हो तो आप बैलेंसिंग फिगर जानते हो, तो सिंपल है सर्विसेज की डेफिनेशन क्या, व्हाट एवर इज नॉट गुड्स मनी सिक्योरिटीज आर सर्विसेज। तो जो भी गुड्स नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है, वो क्या है, सर्विसेज है। तो कोई व्यापारी सियाणा है, वो बोलता है अच्छा इसके ऊपर जीएसटी है, तो वो बोलता है ये गुड्स नहीं है सर, तो गवर्नमेंट तो देश सियाणी है, गवर्नमेंट बोलती है अच्छा ठीक है ये गुड्स नहीं है, तेरी बात मानती हूं मैं, ये सर्विसेज है, चल ये सर्विसेज है, मजे करो,
मेरे को तो जीएसटी से मतलब है, ये सर्विसेज है, तू बोलता है गुड्स नहीं है, चलो तेरी बात मानी, जाके देख सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट एवर इज नॉट गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज आर सर्विसेज, ठीक है, तो सर्विसेज है, तू टैक्स पे कर। मेरे को इंडिया को आगे बढ़ाना है, अब पता नहीं खुद का उत्थान करना है किसी और का करना वो बात अलग है, लेकिन वो सर्विसेज हो जाएगी। सो व्हाट एवर इज नॉट गुड्स मनी सिक्योरिटीज आर सर्विसेज, इसके आगे बोलते हैं कि ठीक है भैया मनी तो बाहर है, लेकिन मान लो तुम लोग छुट्टे लेते हो उसके बदले में एक्स्ट्रा कंसीडरेशन चार्ज करते हो, मैं 2000 रुपये का छुट्टा लेने जाता हूँ, हालांकि 2000 रुपये के नोट गायब हो गए मार्केट से, चलो मैं छुट्टा लेने जाता हूँ, तो दुकानदार बोलता है मैं 500 के दूंगा लेकिन तेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज, देन इट इज गोइंग टू बी सर्विसेज सब्जेक्ट टू जीएसटी, और सिक्योरिटीज फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सर्विसेज। हालांकि मनी एंड सिक्योरिटीज बाहर है लेकिन एडिशनल कंसिडरेशन मनी के लिए चार्ज किया जाता है, या सिक्योरिटीज की जो फैसिलिटेशन सर्विसेज है ओके वो सर्विसेज होगी। जैसे ब्रोकर करता है ना, आप शेयर बेचते हो लेते हो तो ब्रोकर कमीशन वमीशन चार्ज करता है, तो दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, ओके सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्लियर। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी सर्विस, क्योंकि सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है, जो भी गुड्स मनी सिक्योरिटीज नहीं है वो क्या है सर्विसेज है, तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, और सर्विसेज की डेफिनेशन बोलती है कि वॉट एवर इज नॉट गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज आर सर्विसेज, तो ऑफकोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी सर्विसेज, ओके। चलो इस रिवीजन लेक्चर में मैं यहीं तक डेफिनेशन लूंगा, अब थोड़ी बहुत डेफिनेशन बच गई है वो अगले सेशन में कर लेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।